नमस्कार एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है निश्चित रूप से हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार है पूरी तरह से जो आपका करियर रहने वाला है उसमें मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर रहेगा या बोलने से ज़्यादा काम चलने वाला करियर रहेगा और इसी में आपकी उन्नति है शारीरिक मेहनत की जरूरत कम करेगी पड़ेगी और अगर शारीरिक मेहनत वाला करियर आप अपनाते हैं तो उसमें ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है दूसरी बात कहीं ना कहीं दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व तो रहेगा एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व तो आपका रहने वाला है परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो अगर सकारात्मक सोच रहेगी तो हर परिस्थितियों से उबरने की क्षमता को बल मिलेगा और जीवन में इसका फायदा ज़्यादा मिलेगा कुछ योगा है प्राणायाम है विशेषतर उसकी तरफ भी ध्यान देंगे तो जीवन में कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति होगी यहाँ पे हथेली का आकार भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है सुंदर दिखाई दे रहा है ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है संकेत कर रहा है कि आने वाले जीवन में कहीं ना कहीं अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाएंगे पूरा आनंद लेंगे और सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी ये अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वहीं अगर हम देखेंगे तो ये जो इंडेक्स की फिंगर है आपकी ये पूरी तरह से झुक रखी है कर्ब ले रही है आपकी शनि की उंगली की तरफ धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं और धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में भी रहेंगी अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों लेकिन अपने इष्ट के प्रति भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास बना रहेगा ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है गुरु की कृपा के कारण जो हम कहते हैं ना कि दूसरे का उपहार परोपकार उसकी भावना बनी रहेगी और एक दयावान व्यक्तित्व आपका रहेगा क्रूरता निष्ठुरता खडूसपन आपको नहीं छू पाएगा दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक सुंदर सा दयावान व्यक्तित्व बैठा रहेगा और आने वाले समय में इसका फायदा भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा देखिएगा ये जो इंडेक्स की फिंगर है इसके नीचे का जो ये भाग दिखाई दे रहा है इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं वर्तमान समय में सन की तरफ भाग रहे हैं परिवार को लेके कुछ चिंताएं कुछ समय तक लगभग ढाई से तीन साल तक मन के अंदर बनी रहेंगी इस चीज़ के और ये इशारा कर रहा है और यहाँ पे ये साधारण से भी साधारण अवस्था में आ गए हैं ये जहाँ प्रतिष्ठा का कारक है वहीं ये धन के भी कारक हैं और इस समय ये धन का ग्रह आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और यहाँ पे सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनके जो नैसर्गिक गुण हैं उसके कारण कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव को भी जन्म दे रहा है दयालुता को जन्म दे रहा है परोपकार की भावना बनी ही रहेगी चाहे परिस्थिति कैसी भी हो इसको जन्म दे रहा है आर्थिक स्थिति अब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी लगभग ठीक ठाक रहेगी और जीवन काल के बयालीसवें वर्ष के बाद से व्यापार कर रहे होंगे तो उसमें अच्छी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी वर्तमान में यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो रहेगा लेकिन अभी ये थोड़ा सा जो है पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो अपने से बड़े चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे पद में बड़ा हो उनका सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल पाएगा और परिवार को लेकर कहीं ना कहीं मन के अंदर कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी जब तक बृहस्पति अपने अच्छे भाव में नहीं आ जाते हैं दूसरी बात है शिक्षा का क्षेत्र है इंजीनियरिंग का क्षेत्र है चिकित्सा का क्षेत्र है मैनेजमेंट का क्षेत्र है वाणिज्य का क्षेत्र है कानून का क्षेत्र है या अपना कोई काम है चाहे व्यापार है या चाहे किसी भी प्रकार का काम है उसमें काम कर रहे होंगे या काम करने की सोच रहे होंगे तो जब तक बृहस्पति साधारण है चीज़ें साधारण रहेंगी बहुत बड़ी कामयाबी उसमें नहीं दिखाई दे रही है आर्थिक मामले की बात करें तो अभी आर्थिक मामला सामान्य दिखाई दे रहा है और इसके उपाय मैं दूंगा उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बिना ऊर्जा का ये ग्रह है ऊर्जामय अवस्था में आने बैठ जाएगा और उसका फल भी देगा देखिएगा ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं ये देवताओं के गुरु हैं और आकाश तत्व के मालिक हैं मैं इसलिए डीपली समझाता हूँ ग्रहों के बारे में क्योंकि मुझे फ़ोन आते हैं लोगों के मैसेज आते हैं कि गुरु जी आप ऑनलाइन क्लासेस दे दें या कुछ पढ़ाएँ मेरे पास समय की बहुत कमी रहती है इसलिए मैं आप लोगों की हतीलियों का विश्लेषण करके ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी इसलिए देता हूँ कि जो पढ़ने के इच्छुक हैं जो सीखने के इच्छुक हैं वो सरल तरीके से इनको जाने प्रैक्टिकल रूप में क्लासेज देने से अच्छा है इनको जाने और जो एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं कहीं ना कहीं उनकी समझ में बहुत अच्छा आता है अगर आप देखते हैं वीडियो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं इस तरह से वीडियो डालता हूं कि उसमें हथेली का भी विश्लेषण हो जाए और उसमें आप कुछ ना कुछ सीख पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा और आप अपने समय के अनुसार वीडियो को देख सकते हैं और उसका लाभ कहीं ना कहीं ले सकते हैं यहाँ पे देखिएगा ये देवगुरु बृहस्पति चाहे कुंडली में हो या जन्मपत्री में हो या हस्तरेखा में हो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है चाहे वो ज्ञान हो हमारे पास कितना भी ज्ञान है लेकिन जब बृहस्पति इस तरह से साधारण होता है तो उस ज्ञान का फायदा हमें नहीं हो पाता है ठीक है ना? चाहे आपका विवाह हो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का अगर विवाह न हुआ हो तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही विवाह की स्थिति बनती है चाहे संतान हो संतान आपकी कितनी अच्छी है लेकिन उसके भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं चिंता का भाव रहता है और आर्थिक स्थिति व्यक्ति की बहुत सामान्य रहती है अगर बृहस्पति इस प्रकार से हो जो आपका धन है चाहे पैतृक संपत्ति हो अगर ऐसे लोगों के पास पैतृक संपत्ति हो तो कहीं कहीं ना कहीं वो विवाद में चली जाती है या ना भी जाए तो उसका जो फायदा है वो व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और धन के मामले में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं सामान्य तरीके से धन की स्थिति रहती है और सभी प्रकार के जो सुख हैं वो सुख मध्यम स्थिति में रहते हैं बृहस्पति से ही देखे जाते हैं तो ये चीज़ें होती हैं दूसरी बात मैं यहाँ पे जानकारी के लिए दे दूँ देखो ये जो बृहस्पति है ना इनको राशि और मीन राशि का स्वामी माना गया है और जो ये चंद्रमा है ठीक है ना और जो ये मंगल है और चंद्रमा है सॉरी सूर्य है मंगल है और चंद्रमा है ठीक है ना ये जो तीन ग्रह हैं ये इसके मित्र हैं जुपिटर के, है, के जिनसे इनकी अधिक मित्रता है अब ये गुरु क्या है गुरु ज्ञान के कारक हैं गुरु गुरु का कारक है गुरु का मतलब है शिक्षक ठीक है ना या ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा दे और जब गुरु कमजोर होता है खराब होता है तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु नहीं मिलता है मतलब सही समय पे सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति हथेली में गुरु हथेली में इस प्रकार से बहुत साधारण हो तो जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष देखने को मिलता है करने को मिलता है करना पड़ता है ठीक है ना और कई बार व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर गुरु इस प्रकार से बहुत नॉर्मल है तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये आपके अंदर दे रहा है क्या करना चाहिए इनका प्रैक्टिकल रूप से जो प्राकृतिक उपाय है देखिए हमारा जीवन हो हमारे ग्रह हो या सनातन धर्म की संस्कृति हो वो प्रकृति से ज़्यादा जुड़ी हुई है और प्रकृति क्या है एक विज्ञान है वास्तविक विज्ञान ठीक है ना तो इसीलिए मैं कभी भी किसी व्यक्ति को अंगूठी नहीं पहनाता हूँ रत्न नहीं पहनाता हूँ पत्थर नहीं पहनाता हूँ मैं कुछ ना कुछ प्राकृतिक क्रियाएं देता हूँ जिससे प्रैक्टिकल रूप में उसको फायदा मिले चाहे वो दिव्य सूर्य क्रिया हो चाहे वो दिव्य योग ध्यान क्रिया हो चाहे वो प्राकृतिक क्रियाएं हो, ये चीज इसलिए देता हूँ कि अगर आप करते हैं तो आप सीधा प्रकृति से जुड़ जाते हैं आपका जुड़ाव हो जाता है और उसका फायदा जो है प्रकृति आपको देती है नेचुरल तरीके से ठीक है ना? और दूसरी स्थिति यहां पे क्या बन रही है देखिएगा जो सूर्य की उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है कर्ब ले रही है और ये शनि की तरफ झुक रखी है क्या मतलब है इसका आपके अंदर सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण कुछ इच्छाएं प्रबल रूप में है यश पाने की इच्छा नीम फेम पाने की इच्छा और अपने विस्तार कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप में आपके अंदर है और यहां पे एक चीज है बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है मिडिल फिंगर से हल्की छोटी है मनी रिस्क लेने की क्षमता सूर्य के कारण है चीजों में जोखिम उठाने की क्षमता है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर उठने की क्षमता बहुत अच्छी है सूर्य के कारण लेकिन देखिएगा जब भी थोड़ी भी सफलता मिलेगी तो अभिमान का पुट आएगा आपके अंदर इससे बचना चाहिए जब भी ये इसके करीब पहुंचती है शनि के सूर्य की उंगली और बहुत कम डिस्टेंस होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम जन्म लेती अभिमान का पुट नेचुरल तरीके से आता है व्यक्ति को पता नहीं रहता है लेकिन नेचुरल तरीके से आता है तो भगवान की भक्ति से इस चीज से बचा जा सकता है अपने इष्ट देव की भक्ति से अब देखेगा इसके नीचे का जो ये भाग है यहाँ पे इस तरह से जो है चीजें घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं मनी सावधान कर रहा है कि ऐसी स्थिति में कर्जा न लें अगर आप कर्जा लेते हैं तो कर्जे के भंवर में फंस सकते हैं और उससे उभरना मुश्किल हो सकता है अगर लेते भी हैं बहुत ज़रूरी है तो जिस काम के लिए कर्जा लें उसी चीज़ों में जो है उस पैसे को लगाएं। अब तीसरी बात क्या है यहाँ पे सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है ठीक है ना और ये क्या बताता है बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति में व्यक्ति को डालता है ये बता रहा है कि वर्तमान समय में जो आप प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं जो आपके अंदर क्वालिटी है जो आपके अंदर योग्यता है चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ रही हैं निखर करके नहीं आ रही हैं आप जो मेहनत कर रहे हैं जो परिश्रम कर रहे हैं उसका जो पूरा श्रेय है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सूर्य जो है ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो आप प्रैक्टिकल रूप में देखेगा जो भी वीडियो देख रहे हैं प्रैक्टिकल रूप में देखेगा अगर आपका सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आपके व्यापार में विस्तार नहीं मिल पाएगा वो फैलाव नहीं मिल पाएगा वो नाम और यश वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाएगा जिसके लिए आप व्यापार में गए थे जिसके लिए आपने सब कुछ व्यापार में न्योछावर कर लिया सफलता नहीं है उस प्रकार की अगर ऐसे में आप नौकरी कर रहे हैं तो वास्तविक ग्रोथ जो होती है वो आपको नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो और एक चीज का ध्यान रखिएगा सूर्य इस तरह से ऊर्जा विहीन हो ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा हो आपकी हथेली में तो आपके जीवन में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है आपको एक सहजता से एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो उतार चढ़ाव से घिरी रहती है उसमें अस्थायित्व की कमी रहती है स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है जीवन में क्यों क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और सूर्य मुख्य ग्रह है और जब ये सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो क्या होता है हमारे जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की वास्तविक खुशहाली जीवन का उत्साह जीवन की ऊर्जा इन चीज़ों की हमें चिंता करनी पड़ती है ये चीज़ें हमेशा हमारे साथ नहीं रहती हैं क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को निश्चित ही दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना चाहिए कुछ लंबे समय तक और जब ये प्रॉपर तरीके से दी हुई विधि के अनुसार टाइमबद्ध तरीके से इसका तो टाइम का बहुत मायना है ये टाइमबद्ध तरीके से ही करना पड़ता है और एकाग्र चित्त मन होकर श्रद्धा भाव से श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है अगर करते हैं तो धीरे धीरे इनके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाते हैं और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पर पड़ता है आपकी जो शारीरिक सेहत है बहुत अच्छी होती है आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलता है सरलता से चलता है फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है जीवन की वास्तविक खुशहाली है उत्साह है ऊर्जा है इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है ये हमेशा आपके साथ रहती हैं देखिएगा सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है वरना आप शरीर का तापमान कभी भी कायम नहीं रख पाते ठीक है ना तो ये क्रिया मैं आपको विधिवत तरीके से दूंगा इसको जरूर करिएगा और जीवन में लाभ उठाएगा अभी इसको मिटा देता हूं दूसरी जगह चलते हैं अब एक चीज और देखेगा यहाँ पे जो बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है यहाँ पे देखेंगे ये आपकी उंगली पूरी तरह से पीछे की तरफ झुकी हुई है इस प्रकार से और शुक्र का पर्वत जबरदस्त उठा हुआ है शुक्र प्रधान व्यक्तित्व तो आपका है भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज्यादा रुझान बना रहेगा एक लग्जरी लाइफ की तरफ एक सुंदर सा जीवन सुखद जीवन की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण आपका रहेगा और अपने को मेंटेन रखना अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना अपने को सज संवर के रखना ये चीजें ज्यादा रहने वाली हैं नई चीजों के प्रति बहुत ज्यादा रुझान बना रहेगा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहेंगे ये भी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं व्यवहारिक भी होंगे और इसका फायदा भी मिलेगा आने वाले समय में और कहीं ना कहीं जो है चुटकी बजाते ही दोस्त बनाने की क्षमता भी रहेगी ठीक है न और देखेगा साथ साथ में ये यहाँ पर नुकीला भी इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि ये लंबा और नुकीला है और काम के प्रति जिद्द ये ही चीज़ आपको बहुत आगे रखेगी और दूसरों से अलग बनाएगी इसमें जो है वर्टिकल लाइन है शानदार अपने कार्य के प्रति भी जुझारोपन रहेगा जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है अब यहाँ पे देखेगा कि ये यहाँ पे एक चीज बता रहा है यहाँ पे हड्डी नुमा है और सबकी रहती लेकिन आपकी ज्यादा दिखाई दे रही है ये जीवन काल के बयालीसवें वर्ष तक संघर्ष को दिखा रहा है संघर्ष रहेगा और व्यवसाय कर रहे होंगे तो बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा व्यवसाय में बहुत ज्यादा फायदा नहीं है बयालीसवें वर्ष तक कहीं ना कहीं संघर्ष है फायदा नहीं दिखाई दे रहा है और गलत निर्णय लेते हैं तो धन के नुकसान भी होगा एक बात है अगर व्यवसाय कर रहे हो तो पार्टनरशिप में कर रहे हो तो हट जाइएगा पार्टनरशिप में नुकसान के अलावा कुछ नहीं है एक रुपये का फायदा नहीं है और एक बात का ध्यान रखिएगा आप खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आने की संभावना है जीवन में खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है बयालीसवें वर्षों से बन रही है उससे पहले धन कमाने की बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है एक चीज और देखेगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कहीं ना कहीं पीठ का दर्द घुटने का दर्द कमर की प्रॉब्लम की संभावना बढ़ सकती है योगा है प्राणायाम है ठीक है ना इस चीज़ की तरफ ध्यान दे तो ये चीजें नहीं होंगी हाँ बयालीसवें वर्ष की आयु से चीजें ठीक होने बैठ जाएंगी आपके अंडर में आने बैठ जाएंगी और आपको फायदा देने बैठ जाएंगे जीवन का जो बुढ़ापा काल है ये बहुत बेहतरीन है आप इसको भगवान की कृपा मांगे माने या आपके कर्मों का फल माने कहीं ना कहीं जो जीवन का छप्पनवें वर्ष के बाद का समय है उसमें जो संघर्ष है वो जीरो दिखाई दे रहा है जो धन के मामले में परेशान होने वाली चीज है वो माइनस में दिखाई दे रही है जो शारीरिक मानसिक बाधाएं हैं कहीं ना कहीं वो कहीं दूर जाती हुई दिखाई दे रही है और जो सुख है जो परिवार का सपोर्ट है जो परिवार की तरफ से खुशियां हैं वो कहीं ना कहीं आपके बहुत नजदीक और दरवाजा खोलती हुई दिखाई दे रही है अंदर घुस रही है जबरदस्ती सुख ऐश्वर्या भोग और खुशी उत्साह ऊर्जा और धन के मामले में सौभाग्यशाली था ये जबरदस्ती अंदर घुस रही है छप्पनवे वर्ष के बाद बहुत अच्छा समय ओल्ड एज में अब इसको चाहे भगवान की कृपा मानी या हम ये माने कि आप कर्म ही इस प्रकार से कर रहे हैं ये आप खुद सोचिएगा तो अच्छा रहेगा अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक चीज जीवन काल का जो 45वां वर्ष है उसमें कहीं ना कहीं अगर आप चीजों को बेहद भेत, बेहतरीन ले जाते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार की रेखाएं दिखाई अभी तो बहुत रेखाएं काट रही है तो गलत है लेकिन अगर ये वाली रेखाएं खत्म हो जाती है दिव्य योग ध्यान क्रिया से और ये रेखाएं प्रबल रूप में उभर कर आती हैं तो पैंतालीसवें वर्ष के बाद से दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं, कहीं ना कहीं जीवन में अचानक तरक्की की ओर चले जाएंगे और जीवन में अचानक तरक्की हो जाएगी धन प्रतिष्ठा मान सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है निर्धनता नहीं रहेगी गरीब नहीं रहेंगे लेकिन जब तरक्की की सीमा को पार कर रहे होंगे बॉर्डर पार कर देंगे तो चुपके से उस गाड़ी में जो है ईगो प्रॉब्लम सवार हो जाएगी इसको अंदर नहीं आने देना है गेट को बंद कर देना है आपने आपको पता नहीं लगेगा थोड़ा सावधान रहना है संभल कर रहना है क्योंकि धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे पहले से है वो और बढ़ जाएगी धर्म कर्म के कार्यों में बहुत ज्यादा बढ़ हिस्सा लेने बैठ जाएंगे दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये चीज अच्छी दिखाई दे रही है धन के लिए जीवन काल के पैंतालीसवें वर्ष से ये अंगूठा बहुत अच्छा है व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है और व्यवसाय में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी और विशेष सफलता को ये इंगित कर रहा है चीजें बहुत बेहतरीन भी हैं लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं जो क्रियाएं दूंगा वो व्यवस्थित तरीके से करनी पड़ेगी अब एक चीज देखिएगा चंद्रमा से निकलकर करियर और धन की रेखा यहाँ पे एक एक जो है मस्तिष्क की रेखा में चली गई है दो चीजें बता रही है ऐसे लोगों का जो डेवलपमेंट है जो प्रोग्रेस है उसमें बाधा आ जाती है वो बाधित होती है मस्तिष्क से लिया गया गलत निर्णय स्वयं की डेवलपमेंट स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित करता है और उसको पाना थोड़ा कठिन हो जाता है दूसरी बात कार्यों में अड़चन आना कार्यों में विलंबता आना कार्यों का फंस जाना सुचारू रूप से न चलना और जीवन में संघर्ष आना इस चीज को यह दिखाती है इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया के, के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए आपको लक्ष्मी की बहुत अच्छी पूजा करनी चाहिए रात्रि के समय की जिससे ये इसका जो नेगेटिव प्रभाव वो ठीक हो जाए और जो ये रेखा चल रही है इसका प्रभाव विस्तृत रूप में आ जाए और करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आए अच्छी चीजें दिख रही है आप करिएगा बहुत अच्छा रहेगा अब यहां पे देखिएगा एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं जन्म ले रही हैं ये वर्तमान समय को बता रही है कि वर्तमान समय में कहीं ना कहीं जो है ये सबसे पहला प्रभाव मन और मस्तिष्क पर डाल रही है कन्फ्यूजन की स्थिति दुविधा की स्थिति उलझन की स्थिति को पैदा कर रही है और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई दिखाई दे रही है दूसरा प्रभाव ये आपके जो डेवलपमेंट है आपकी जो प्रोग्रेस है वो तीव्र गति से बाधित कर रही है उसमें बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है सफलता के स्तर को घटा रही है और इसका असर आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है कहीं ना कहीं वो अनबैलेंस हो रहा है इसका असर आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ रहा है और इसका असर रिश्तों पर भी पड़ता है व्यक्ति रिश्तों का फायदा नहीं उठा पाता या रिश्तों का फायदा व्यक्ति को नहीं मिल पाता है या रिश्ते बन नहीं पाते चाहे कोई भी रिश्ता हो इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पर पड़ता है ऐसे व्यक्तियों के पास लाखों पैसा भी आ जाए करोड़ों रुपए भी आ जाए लेकिन हथेली में टिक नहीं पाते हैं दस रुपये आएगा तो पंद्रह रुपये का खर्चा पहले आ जाएगा धन का संचय नहीं हो पाता है और जीवन के जो तमाम आयाम हैं रास्ते हैं कहीं ना कहीं उनमें बाधा डालने का यह कार्य करती हैं और जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है जो दरिद्रता रहती है वो जन्म लेनी बैठ जाती है संघर्ष जन्म लेना बैठ जाता है उलझन सुलझने का नाम नहीं लेती है क्या है ये कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा जन्म ले रही है जितना जल्दी हो सके प्राकृतिक क्रिया से उसको बाहर करना है आपने उपाय मैं दे दूंगा बाकी आपके ऊपर है आप किस प्रकार से करते हैं अगर ये बढ़ गई तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लेगी ले और उसका फ़ायदा नहीं देने देगी तो इसलिए सबसे पहले क्रियाओं को जरूर करें अब यहां पे देखेगा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तरीके से तो ये लाइन किसी तरह से इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और इन दोनों के बीच में जा रही है दो ग्रहों का इस पे निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ रहा है ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रही है कि आप जीवन में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है गुरु का प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की वर्तमान समय में हो रही है लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते आप कह रहे हैं आपका मन कर रहा है कि कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे कोई जुगाड़ लगाना पड़े अगर लग जाता है तो लगाएंगे इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे पीछे नहीं रहेंगे और ये अच्छी चीज है महत्वाकांक्षी तो होना बहुत सुंदर है और उसके लिए तत्परता भी बहुत अच्छी है अब यहां पे देखेगा इस तरह से जो है एक चिन्ह बन रहा है और इसमें बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है शनि का प्रभाव पड़ रहा है यह रहस्य को पैदा करता है यह आपको कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित कर रहा है और बहुत ज्यादा कर रहा है ठीक है ना लेकिन ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं दार्शनिक किस्म के होते हैं ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं इनका अच्छा खासा जो है नॉलेज रखते हैं उसका प्रयोग करें ना करें न, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा रखते हैं उसमें एक खोजी प्रवृत्ति के रहते हैं खोज करते हैं और डेफिनेटली मानसिक स्थिति को ये इस प्रकार से बताता है कि इस मनुष्य जीवन का वास्तविक गुण तत्व तो क्या है मनुष्य जीवन का वास्तव में सही अर्थ क्या है और ये जो धर्म है ये वास्तव में क्या है मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है मैं क्या करने के लिए इस धरती पर आया हूं और किस प्रकार से आया हूं इस चीज को जानने के लिए डीपली ये घुस जाते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में और एक समय कहीं ना कहीं आता है इनको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है ये धन को नहीं दिखाता है ये व्यक्ति के अंदर उस प्रकार का एक अलौकिक ज्ञान को दिखाता है और ऐसा व्यक्ति एक समय पर अलौकिक हो जाता है और और लक्षण भी अगर उभर कर आए व्यक्ति उस तरफ चला जाए तो त्रिकाल दृष्टि ऐसा व्यक्ति बन जाता है कल को क्या घटित होने वाला है वो आभास हो जाता है किसी को देखते ही मस्तिष्क देखते ही उसका पूरा स्कैन कर लेता है व्यक्ति लेकिन ये अवस्था अभी दूर है लेकिन एक बात जरूर कहूंगा जिस व्यक्ति के ऊपर साक्षात भगवान नारायण की कृपा हो उस व्यक्ति की हथेली में ही यह चिन्ह बनता है रहस्यमय और जिस पे देव देवगुरु बृहस्पति की साक्षात दृष्टि हो कर्म के स्थान भाग्य स्थान का साक्षात जो है दृष्टि गोचर उसमें हो और ये आपकी हथेली में है और ये तब बनता है जब भगवान की विशेष कृपा हो और पूर्व जन्म के पुण्य कर्म हो तब ये चिन्ह बनता है ऐसे ही नहीं बनता है लाखों हथेलियां हैं करोड़ों अरबों हथेलियां हैं ऐसे नहीं बन पाता है देखेगा मस्तिष्क की रेखा सुंदर है स्पष्ट है बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं है बौद्धिक स्तर कमाल का है और एक विवेकवान व्यक्तित्व तो भी है और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक रेखा और आ रही है भविष्य में एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे ये रेखा बताती हुई यहाँ दिखाई दे रही है जीवन रेखा इस तरह से पीछे की ओर आ रही है लेकिन यहाँ तक करीबन पैंतालीसवें वर्ष के बाद तक बहुत सारी रेखाएं इसका छेदन कर रही हैं ये संघर्ष को जन्म दे रही हैं मानसिक उलझन को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है अंत में आप देखेंगे इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व तो रहेगा धर्म के क्षेत्र में अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि लेने वाला व्यक्तित्व तो बना रहेगा और एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है ये आपके अंदर व्यापार के गुण देती हुई दिख रही है और मछली भी यही जो है बुद्ध की तरफ देख रही है आने वाले समय विशेषकर बयालीसवें वर्ष के बाद व्यापार में कहीं ना कहीं अचानक बहुत बड़ी सफलता की और ये ले जा रही है देखा जाए यहाँ पे दो रेखाएं हैं लेकिन अभी तो दोषित हैं कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा उलझन की स्थिति भी रहेगी कम से कम ढाई से तीन साल तक दो रेखाएं हैं स्वयं की मेहनत स्वयं के पराक्रम और स्वयं के पौरुषत्व के बल पे श्रेष्ठ सफलता को भी अर्जित करेंगे अपने ही बल पे सफलता पाएंगे वो भी श्रेष्ठ पाएंगे चाहे अभी कैसा भी हो अब यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे का भाग है शुक्र का पर्वत बहुत ज्यादा उठ गया है तो ये मानसिक परेशानियों को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके चिंताएं हैं उलझन है और जो सुख चाहे किसी भी प्रकार का हो पूरी तरह से मिलता हुआ यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है निम्न मंगल थोड़ा आत्मविश्वास की कभी कभी कमी करवा रहा है और निर्णय लेने की क्षमता में असर डाल रहा है लेकिन उच्च मंगल ठीक है पराक्रम हमेशा बना रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा इसके बारे में हमने बात कर ली है शनि भी ठीक ठाक है लेकिन अभी कहीं ना कहीं उस प्रकार से ठीक नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका कुछ नहीं दिव्य योग ध्यान क्रिया ये सब ठीक हो जाए इसके बारे में हमने बता दिया है बुद्ध का पर्वत देखें तो अनबैलेंस है और ये व्यापार का ग्रह है ये आपकी वाणी का ग्रह है ये आपकी त्वचा का मालिक है तो कहीं ना कहीं इन चीजों में मध्यमता रहेगी इस बात की और जो है ये इशारा कर रहा है चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उठ गया है यहाँ पे सामान्य है और शुक्र के पर्वत के साथ मिलकर कहीं ना कहीं जो है थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है कुछ समय तक मन गड़बड़ रहेगा हो सकता है मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़े कई बार भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं कभी कभी मन अच्छा नहीं रह सकता है कार्य में मन नहीं लगेगा या कहीं ना कहीं मन खराब सा रह सकता है पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा आंतों की प्रॉब्लम की संभावना हड्डियों या नेत्र रोग की संभावना इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है या त्वचा संबंधी कोई परेशानियाँ रह सकती हैं इसके लिए जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया और खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा कोई भी ऐसा भोजन न करिएगा जो शरीर में जहर पैदा करे या कहीं कही ना कहीं शरीर को नुकसान पहुंचाए अधिक मसालेदार फास्ट फूड या चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीना इन चीजों से बचें अगर तमाकू वगैरा का सेवन कर रहे हो ड्रिंक वगैरह का सेवन किसी भी प्रकार से कर रहे हो तो बहुत कम उसको कर लीजिएगा एकदम छोड़ना नहीं है लेकिन बहुत कम उसको करना है इस चीज का विशेष ध्यान रखें अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है तो नींद आने में दिक्कतों का सामना भी करवा सकता है देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ करने की कोशिश करें बहुत अच्छा रहेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा तब तक के लिए नमस्कार